हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम कुकुम्बर फेस वॉश बनाएंगे। ये फेस वॉश आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगा। साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को भी रिमूव करेगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और साथ ही आपके फाइननेस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी। तो आइए इस अमेजिंग फेस वॉश को बनाना शुरू करते हैं। कुकुम्बर फेस वॉश बनाने के लिए मैंने कुकुम्बर यानी कि एक खीरा ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पिलर की हेल्प से इसके छिलके को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने खीरे के छिलके को अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें खीरे के छोटे छोटे पीस करेंगे। तो बेसिकली हमें खीरे का जूस निकालना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, पर क्योंकि इन्हें ग्राइंड करने से इसका जूस बहुत ही इजीली निकल जाता है, तो इसलिए मैं इन्हें ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने खीरे को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से खीरे के जूस को छान लेंगे। तो यहाँ मैंने खीरे के जूस को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है। खीरे में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को रिजुविनेट करता है। ये हमारे एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट कर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सपल भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें यह आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये एक चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करता ही है, साथ ही स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। प्लस इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये हमारे फाइनलाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स ट्री ट्री एसेंशियल ऑयल की ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से हमारे फेस वॉश में एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आने लगती है और साथ ही हमारी स्किन बहुत ही ग्लोइंग भी बन जाती है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा कुकुम्बर का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट, मैंने ये 30 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले ली है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगी और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पर अगर आपको ये सोप बेस इजीली नहीं मिल पाती है, तो आप इसकी जगह कोई भी बेबी सोप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप इजीली मेल्ट हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये आधा कप पानी डालेंगे। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये कट करा हुआ सोप बेस ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे चम्मच से जब तक चलाएंगे जब तक कि सोप बेस पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देखिए, सोप पानी में अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम लास्ट में इसमें ये कुकुम्बर का मिक्सचर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो यह मैंने मिक्सचर को 1 मिनट अच्छे से पका लिया है और आप देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ आप देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक खाली प्लास्टिक की बॉटल ले लेंगे और इसमें फेस वॉश को स्टोर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने फेस वॉश को बॉटल में फिल कर लिया है। हमारा फेस वॉश बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो जब कभी भी आपको अपना फेस वॉश करना हो, आप इस तरह थोड़ा सा फेस वॉश ले लें और इसे अपने दोनों हाथों पर इस तरह रब करें। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा फेस वॉश कितना फोमी बना है। आप इसे अपने फेस पर 1 मिनट अच्छे से जेंटली रब करते हुए अपने फेस को वॉश कर लें और उसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। पर मेक श्योर कि अगर आप इस फेस वॉश के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें।
ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगा। ये आपके एक्ने स्कार्स, सन टैन और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा। ये आपके स्किन टोन को इवन बनाएगा। प्लस इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग हो जाएगी। और ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इस फेस वॉश को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील करने लगेगी। तो आप भी इस 100% नेचुरल और इफेक्टिव फेस वॉश को एक बार ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।